हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी। आज स्वीट डिश सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ घेवर। राजस्थान की एक बहुत ही फेमस डिश है। जो भी टूरिस्ट सावन के महीने में स्पेशली अगर आते हैं राजस्थान में, तो वो घेवर खाकर या लेकर जरूर जाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद एक यूनिक ही होता है। और स्पेशल बात यह है कि आज तीज का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घेवर की रेसिपी ट्राई की जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ सीखिए। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पे एक बाउल मैदा लिया है और इसका चौथाई करीब मैंने देसी घी लिया है, और मैंने लिया है एक कटोरी दूध, और इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने लिए है बादाम, और मैंने लिए हैं आइस क्यूब्स। सबसे पहले हम ये घी ले लेंगे, और घी में हम ऐड करेंगे 4-5 आइस क्यूब्स। और अभी मैं इसमें ब्लेंडर चला दूंगी ताकि ये अच्छे से इसकी विस्किंग हो जाए। आप अगर ब्लेंडर नहीं चलाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप ये हाथ से कर सकते हैं। आप हाथ से ही जो घी था और उसमें और वो आइस क्यूब्स डाल के इस तरीके से मथेंगे, करीबन 5-7 मिनट में आपका जो ये घी था वो देखिए इस तरीके की क्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट कलर में। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके मैदा और दूध मिक्स करेंगे। ये जो हमारा बैटर बनेगा इसमें लंप नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम इस तरीके से धीरे धीरे इसमें मिक्स कर रहे हैं सभी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला थोड़ा सा दूध, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैदा, और पहले इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है। ये जो हम बैटर बना रहे हैं लंप फ्री होना चाहिए, इसमें मैदा का बिल्कुल भी लंप यानी कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, और एकदम पतला पोरिंग कंसिस्टेंसी का ये बैटर होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं वापस से ब्लेंडर से इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए, इस बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर चला लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, जो आपका ये घोल बना है ऐसा पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि ऐसे करके गिर जाए। अब ये हमारा बन गया है। ये जो मेरा घोल बन गया है इसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे, उससे घेवर क्रिस्पी बनते हैं। तो ये मैंने लिया आधा कप आधा नींबू, और इसका रस मैंने डाल दिया है, और इसको मिक्स कर दीजिए। हमको तीन काम करने हैं। पहली चीज, घेवर तलने के लिए हमको तेल चढ़ाना है गरम। दूसरी चीज, घेवर पे हमको चाशनी चढ़ानी पड़ेगी, तो चाशनी बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज, मैं मलाई घेवर बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खोआ लेके आई हूँ। उस खोए में मैं चीनी ऐड करूँगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए चढ़ाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने एक बाउल मैदा लिया था, उतनी ही मैं ले रही हूँ चीनी, एक बाउल चीनी लूँगी, और उतना ही हम इसमें डालेंगे पानी। इसको भी आप बनने के लिए ऑन कर दीजिए गैस। इधर मैंने तेल गरम चढ़ा दिया है, और तीसरी तरफ मैं मलाई घेवर के बनाने के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसके लिए मलाई। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ खोआ। अब ये खोए की मैं बनाऊंगी रबड़ी। खोए में मैं डालूंगी चीनी, और चीनी डाल के इसको सेक लूंगी। आप जितना मीठा खाना पसंद करें उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं चीनी, क्योंकि घेवर का बेस भी मीठा होगा और ऊपर से रबड़ी भी हमें उसके ऊपर डालनी है। इधर चाशनी हो रही है, तेल को हमको अच्छे से गर्म करना है। देखिए, मेरी रबड़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, मेरी रबड़ी बनकर तैयार है जो मैं घेवर के ऊपर लगाने वाली हूँ, और तेल हमारा गर्म हो रहा है और चाशनी इधर बन रही है। घेवर के लिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, मेरी चाशनी जो बन रही है उसमें मैं इलायची डाल दूंगी ताकि उसमें इलायची की खुशबू आए घेवर में भी। दूसरी तरफ ये मेरा तेल देखिए आप, इसमें से धुआं निकलने लग गई है, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया है। ये आप डाल के देखिए, ये तेल गर्म होना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जैसे ये उफनता है आप रुक जाइए, फिर आप फिर से डालिए।
और आप इसको बीच में से थोड़ा सा साइड में करते रहिए। देखिए घीवर आपका इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगा। ये देखिए ये आपका घेवर जब बन जाता है तो ये साइड से ये किनारे छोड़ देता है और इसको फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और निकाल के आप इस तरीके से रख लीजिए। अब हम और घेवर डालेंगे इसमें, सेम मेथड से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। देखिए घेवर हमारा सिक गया है, दूसरा घेवर भी। इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और एक्स्ट्रा तेल नितरने के लिए इसको इस तरीके से रख देंगे। देखिए ये चीज़ें गर्म हैं तो आपको बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से मैं निकाल दूंगी ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये देखिए दोस्तों हमारी चाशनी बन गई है। ये इसका वॉल्यूम जो था करीबन आधा रह गया है पहले जितना पानी और चीनी का रेशो था, और ये थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया। इस तरीके से ये तार जैसा बनने लग गया इसमें। अब इसको ऑफ कर देंगे और हम धीरे धीरे ये चाशनी इस घेवर के ऊपर डालेंगे। अब इस तरीके से देखिए इसके नीचे मैंने अभी भी स्टैंड लगा के रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी हो नीचे नितर जाए। चाशनी हम डाल चुके हैं, अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी रबड़ी और इस तरीके से इसको हल्के से फैला देंगे, क्योंकि देखिए ये घेवर इतना क्रिस्पी बना है कि इस पर अगर प्रेशर लगाया तो ये टूट भी सकता है। तो आप हल्के से हाथ से इसको इस तरीके से फैला दीजिए और इसको हम डेकोरेट करेंगे ये बादाम से। बादाम पिस्ता वगैरह आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा मलाई घेवर तैयार है। और स्पेशल बात यह है कि आज तीज का त्यौहार है और तीज पे राजस्थान में लहरिए की साड़ी पहनी जाती है। ये जो कि मैंने पहनी हुई है ये लहरिए की साड़ी है और उसके साथ में घेवर खाए जाते हैं और अपनी बहन बेटियों को दिए जाते हैं। ये रस्म है यहाँ पे और बहुत ही मीठी सी अच्छी सी रस्म है ये। इतनी स्वादिष्ट मिठाई भी आपको खाने के लिए मिलती है। तो चलिए हमारे साथ और इसी तरीके से नए नए व्यंजन बनाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। तो देखिए हमारा घेवर कितना क्रिस्पी बना है, तोड़िए और खाइए।